नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। भाभी ने खाना नहीं दिया तो सिरफिरे देवर ने कुल्हाड़ी से काट डाला। आरोपी आला कत्ल के साथ गिरफ्तार एसपी ने किया खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व पूजा नामक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिरसा कलार में मृतका के पति पान सिंह निवासी कासीराम सिरसा कलार ने अपने ही भाई राजू पाल व अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी रवि कुमार ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि सिरसा कलार थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश तिवारी ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के जखा बम्बी के पास में आला कत्ल कुल्हाड़ी के साथ आरोपी राजू पाल को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी राजू पाल ने बताया कि उसकी भाभी पूजा समय से खाना नहीं देती थी, इस वजह से घर में कलह होता था। इसी वजह से कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल थाना पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वही पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। देखिए, ये आज राजू पाल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये थाना सिरसा कला क्षेत्र का रहने वाला था। 10 तारीख के शाम को जब पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की को कुल्हाड़ी मार दिया गया है, पुलिस जब उसको वहाँ से पहुँची और महिला को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो उस समय अस्पताल जाने के क्रम में और पहुँचने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया था। उसी के बाद महिला के पति से लेकर FIR कराई गई थी और उसमें पति ने जो है 2 लोगों पर शक जाहिर किया था। उसमें उसका पति का कहना था कि उसके 2 छोटे भाई राजू और मुनेश उस लोगों ने संभावित रूप से उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। इसमें जब विवेचना की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और जानकारी इकट्ठा की गई तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि राजू जो उसका छोटा भाई था, वादी का छोटा भाई, वो नशे का आदि व्यक्ति है और साथ ही साथ चिड़चिड़ा भी था। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने ये इकबालिया जुर्म किया है और बताया है कि इसकी भाभी के द्वारा इसको खाना नहीं दिया जाता था और गाली गलौज की जाती थी, तो इससे ये गुस्से में आकर और इसने कुल्हाड़ी ली और महिला के सर पे वार किया और उस वार कर हत्या कर दी। उसके बाद इसने जो आला कत्ल है कुल्हाड़ी, उसको वहीं पर भूसे में छुपा कर वहाँ से भाग गया था और फिर आज उस की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पूछताछ में इस तरह का अभी कुछ प्रकाश में नहीं आया है, बाकी तफ्तीश की जा रही है। जो भी और डिटेल्स आएंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। 10 तारीख को ये घटना हुई तो 14 तारीख को ये पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बीच के समय में कहाँ रहा है किसी को? ये बीच में हम लोगों ने जब इनको ट्रैक किया, चेज भी किया तो ये बहुत दूर तक भाग गया था और घूमते फिरते इधर उधर अपना ठिकाना बदल रहा था, लेकिन पुलिस पीछे लगी रही और मुखबिरों की सूचना के आधार पर इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ? इसी तरह की खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। व अगर आप आवाज इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आवाज इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें व अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।